हुए आपको टिकट दिया है उपचुनाव में। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से सन 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट जीती थी, क्या इस बार भी ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली हो जाएगी? सबसे पहले तो केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी को, जिले के अध्यक्ष को, सबको हम बधाई देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एक कार्यकर्ता के रूप में टिकट दिया है और 2017 से ज़्यादा मतों से जीत सीट ये जीतेगी, ऐसा मेरा मानना है। जनता का जो रुझान है वो ऐसा ही आ रहा कि उससे ज़्यादा मतों से सीट दर्ज जीत दर्ज कराएंगे। देखिए, आपको लगता है कि विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर जो आरोप लगे थे, क्या इस चुनाव में उसका कोई असर पड़ेगा? नहीं, नरेंद्र भाई मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, जो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के जो जो नीतियाँ हैं जिस पर उन्होंने काम किया है, तो मुझको लगता है ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी, हम तो सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं, सेवक के रूप में आए हैं, एक चौकीदार हैं, ये जनता की सेवा करेंगे। इतने दिन से जनता के बीच में प्रतिनिधित्व तो नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है, प्रतिनिधि के रूप में हमें यहाँ तय करके टिकट दिया है, जैसी उनकी अपेक्षा है वैसा मैं पूरा। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।